नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम फिर से बात करेंगे एक बार फ्यूचर रिटेल की। जी हाँ बिल्कुल, उससे संबंधित एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेबी ने तो फोरेंसिक ऑडिट के लिए बुलाई था, यहाँ पर लेंडर्स ने भी फोरेंसिक ऑडिट के लिए ऑप्ट किया है। लेंडर्स भी फ्यूचर रिटेल का फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे और पता करेंगे उसके जो बुक्स एंड अकाउंट्स हैं उसका पूरा ऑडिट करेंगे और पता करेंगे कि क्या वहाँ पर कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अभी जो इससे पहले कुछ वीडियोस बनाए उन पर एक बार नज़र डाल लीजिए। ये मेरे चैनल पे अभी मैंने रिसेंटली रतन इंडिया पावर पर डाला है वीडियो फ्यूचर रिटेल का। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, यहाँ पर रिलायंस 6000 करोड़ की मांग कर रहा है। इससे पहले मैं फ्यूचर सप्लाई चेन, दीपक फर्टिलाइजर, सुजलॉन, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, अडानी विल्मर, फ्यूचर रिटेल पर मैंने ये वीडियो बनाया, ये भी आप देख सकते हैं जाके कि अब IRP के बाद क्या होगा। अगर आप ये देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो इस पर जाके मेरे चैनल के वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लेंडर्स ऑप्ट फॉर फोरेंसिक ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल। बिल्कुल, यहाँ पर जो लेंडर्स हैं ये भी फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। यहाँ पर देखिए न्यूज़ है आज की, 10 अगस्त 2022 की रात में 12:15 बजे की करीब न्यूज़ है। अभी से 6-7 घंटे हुए हैं। लेंडर्स लेड बाई बैंक ऑफ इंडिया हैव अपॉइंटेड BDO क्या, अभी आगे हम देखेंगे, BDO इंडिया टू कंडक्ट अ फोरेंसिक ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल। बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने BDO इंडिया को अपॉइंट किया है बैंक ऑफ इंडिया ने फोरेंसिक ऑडिट के लिए। विच इज़ फेसिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को फेस कर रही है फ्यूचर रिटेल, सेट टू पीपल विद नॉलेज ऑफ द मैटर। देखिए, दो पीपल बहुत पुराने हैं, हर बार नॉलेज को लेके आते हैं और यहाँ पर बताते हैं। देखिए, BDO और बिंडर डिचकर ओट्टे इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग, टैक्स कंसल्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी फर्म्स विच प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर द नेम ऑफ BDO। बिल्कुल, यहाँ पर ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं इन द नेम ऑफ BDO। यहाँ पर ये सारी चीज़ें 1964 में ये फर्म बनी थी। अच्छा, आगे देखते हैं। किशोर बियानी लेट फ्यूचर रिटेल हैड अटेम्प्टेड टू स्टे ऑफ बैंकरप्सी बाय सेलिंग इट्स कंपनीज टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं ये कि भैया किशोर बियानी ने कोशिश करी थी अपनी इंसॉल्वेंसी बचाने के लिए रिलायंस के साथ डील करके, भाई 24,713 करोड़ वाली, लेकिन क्रेडिटर्स डिड नॉट अप्रूव द डील एंड द कंपनी वॉज एडमिटेड टू द NCLT। ठीक है, ये तो हमें सब पता है। ट्रिब्यूनल फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आफ्टर इट डिफॉल्टेड 3,495 करोड़, ये सब हम लोग जानते हैं। अच्छा, आगे देखिए, आगे अभी एक दो खबरें और ऐसी हैं जिनको आपको जानना चाहिए, इसलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू हैज़ लास्ट वीक अपॉइंटेड CA चोकसी एंड चोकसी टू कंडक्ट अ फोरेंसिक ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी आपने शुरू में देखा। बात करें अगर और देखिए, लेंडर से, लेंडर क्या कहते हैं भैया, देखिए दे वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ लोन अकाउंट। बिल्कुल, यहाँ पर वो अलग से इनका जो लोन अकाउंट है उसका असेसमेंट करना चाह रहे हैं, सिंस दे वुड नॉट हैव एक्सेस टू द सेबी रिपोर्ट। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भैया उनको सेबी की रिपोर्ट पे एक्सेस नहीं मिलेगा, वो देख नहीं पाएंगे, लेंडर्स कह रहे हैं, तो वो इसलिए अपना फोरेंसिक ऑडिट कराना चाह रहे हैं, अपना जो उनका लोन अकाउंट है उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाह रहे हैं ये। सेकेंडली, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज मैंडेटेड लेंडर्स। बिल्कुल, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी लेंडर्स को मैंडेट किया है टू कंडक्ट अ फोरेंसिक ऑडिट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन अकाउंट। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोन नहीं चुकाया जा चुका है, कितना पैसा बाकी है, जितना भी लोन अकाउंट में सारी चीज़ें हैं उसका ऑडिट करने के लिए, फोरेंसिक ऑडिट के लिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी मैंडेट किया है, यानी कि बोला है परफॉर्मिंग लोन अकाउंट्स वे आर द एक्सपोजर इज ओवर 50 करोड़, जहाँ पर लगभग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का एक्सपोजर हो सकता है, सेड अ लेंडर, यहाँ पर लेंडर ने बताया है। अच्छा, सेबी हैज मैंडेटेड चोकसी एंड चोकसी, ये तो पता ही है, एंड फ्यूचर रिटेल टू फ्यूचर ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल। यहाँ पर सेबी ने जो चोकसी एंड चोकसी को अपॉइंट किया है एंड रिलेटेड एंटिटीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 2020 से March 2022 तक के लिए। फ्यूचर रिटेल हैड एंटर्ड इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद एफिलिएट सच एज फ्यूचर एंटरप्राइजेज, फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। बिल्कुल, यहाँ पर इन तीनों से जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हुए हैं, अभी आगे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है जो जहाँ पर इनको फ्रॉड जैसा कुछ लग रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीन कंपनियाँ जो है ना, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर कंज्यूमर, ये भी थोड़ा सा टेंशन वाली है। अभी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन पे भी एक न्यूज़ आई है, उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आपको जल्दी देखने को मिलेगा। द ऑडिट रिपोर्ट कुड हाईलाइट इफ दीज ट्रांजेक्शंस वर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये ऑडिट होगा लेंडर्स कराएगा, उससे ये पता लगेगा कि जो इनको ट्रांजेक्शन वगैरह किए गए हैं वो फ्रॉड के तहत तो नहीं किए गए, मतलब प्रेजुडिशियल तो नहीं है, मतलब किसी एक को फेवर देने के उसमें तो नहीं है किसी एक कंपनी को।
द फाइंडिंग्स ऑफ द बीडीओ इंडिया रिपोर्ट विल बी क्रिटिकल फॉर लेंडर्स टू डिसाइड ऑन वेदर टू डिक्लेयर द अकाउंट एज फ्रॉड। बिल्कुल, जो बीडीओ के ऑडिट के बाद सारी चीज़ें निकल के आएंगी तब उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि भैया जो अकाउंट है उसमें फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। BDO did not respond to ET Economic Times request for comment. BDO ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया यहाँ पर Economic Times की रिक्वेस्ट पर। It would also look at the related party transaction. बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो ऑडिट होगा और क्या क्या होगा कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उस पर भी ऑडिट होगा। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, द फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स इन द हाइपर मार्केट स्टोर्स रन बाई फ्यूचर रिटेल वर ओन्ड बाई फ्यूचर इंटरप्राइजेज। बिल्कुल, यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल जो फर्नीचर और फिक्चर्स वगैरह यूज़ करती थी वो किसके द्वारा ओन किए जाते थे? फ्यूचर इंटरप्राइजेस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ओन बाई फ्यूचर इंटरप्राइजेस एंड फ्यूचर रिटेल पेड इट एन एनुअल रेंट ऑफ 650 करोड़। यहाँ पर फ्यूचर रिटेल इनको रेंट पे कर रही थी इन फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 650 रुपये इन January 2020, यानी कि January 2020 में इन्होंने पे किया। फ्यूचर रिटेल पेड 4000 करोड़ टू फ्यूचर इंटरप्राइजेस टू एक्वायर फिक्चर्स एंड फर्नीचर। यहाँ पर फ्यूचर रिटेल ने 4000 करोड़ रुपये इनको दिया हुआ था, मतलब फ्यूचर रिटेल ने इनको पैसा दिया है फ्यूचर इंटरप्राइजेस, क्योंकि आप इसको एक्वायर करिए और उसी से उसी का ये रेंट दे रहे थे फ्यूचर रिटेल। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो फ्रॉड वाला मामला है, कुछ किस तरह से पेमेंट करिए, इसीलिए यहाँ पर ये ऑडिट बैठाला गया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ देखिए, फ्यूचर रिटेल पेड 4000 करोड़ टू फ्यूचर इंटरप्राइजेस टू एक्वायर फ्यूचर एंड फर्नीचर विच इट प्लेज्ड। यहाँ पर इसको फिर इन फर्नीचर और इसको प्लेज कर दिया है एज सिक्योरिटी टू रेज 3500 करोड़ लोन, 3500 करोड़ फ्रॉम ओवरसीज। इन फर्नीचर और फिक्चर्स को प्लेज करके यहाँ पर 3500 करोड़ रुपये का लोन लिया गया है प्लेज करके ओवरसीज के, यानी कि इंडिया के बाहर से। बॉन्ड होल्डर्स टू फंड द ट्रांजेक्शन, ओवरसीज बॉन्ड होल्डर्स यानी जो बाहर के बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके द्वारा टू फंड द ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को फंड करने के लिए, मतलब घुमा फिरा के पैसे को इधर से उधर किया गया है। यहाँ पर इन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर ये ऑडिट में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जब यहीं पर ही है तो फिर ऑडिट तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारा एक गेम समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। द फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंडिकेट वेदर फ्यूचर रिटेल ओवर पेड फ्यूचर इंटरप्राइजेस। बिल्कुल, यहाँ पर जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा कि क्या फ्यूचर रिटेल ने ओवर पेमेंट किया फ्यूचर इंटरप्राइजेस को। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिएटर्स हैड एग्रीड, यहाँ पर जो डोमेस्टिक क्रिएटर्स हैं वो क्या किस बात पर एग्री हुए हैं? टू वेव देयर लियन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कि फर्नीचर और जो फिक्चर है उस पर अपना वो अधिकार छोड़ देंगे। ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन पे? डेट देयर लोन वुड बी रिपेड, कि भैया हमारा जो उनका लोन है वो मिल जाए, हम फर्नीचर फिक्चर वगैरह छोड़ देंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी न्यूज़ हैं, अब मैं लगातार इस पर अपडेट ला रहा हूँ। ठीक है, आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, और उसके अलावा भी मैं रोज़ वीडियोज़ बना के डालता हूँ, शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।